हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा, सबसे पहले आप सभी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वर्ष नई ऊंचाइयां छुएं तथा परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। तो बेटा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4, जहां हम जो है यूनिट फर्स्ट पे जो है कुछ लास्ट के टॉपिक्स को देखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें है टॉपिक है बलों का संयोजन, बलों का संयोजन, एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। तो आप लोगों को मालूम है बल एक जो है सदिश वेक्टर राशि होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सदिश भौतिक राशि है। तो सदिश भौतिक राशि को जोड़ने के लिए कुछ नियम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नियम जो है, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम दो जो है एक्सिल में दो बलों के योग का नियम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को क्या करें। तो बेटा, सबसे पहले आप ये सीखो कि बेटा सदिश भौतिक राशि क्या होती है। ऐसे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मतलब आंतरिक मान, उसका परिमाण एवं दिशा की जरूरत होती है। तो देखो बेटा, कोई भी वेक्टर, मान लो कोई एफ है, मान लीजिए फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो एफ को एक एरो से दिखाया जाएगा, जिसका जो ये हेड है, इसे हेड बोलेंगे, ये टेल है मतलब पूंछ, और वो शीर्ष है, ये पूंछ है, ये शीर्ष है। तो बेटा, इसमें ये कहा गया कि अगर जो है दो बल को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के साथ दिखाया जाए, मतलब ये F1 का डायरेक्शन इस भुजा AB के द्वारा या PQ, मान लीजिए PQ के द्वारा दिखाया जा रहा है, और उसका डायरेक्शन भी PQ की दिशा में है। ये जो है इस साइड से साइड, ये इसकी होती दिशा होती बेटा, और इसकी अगर लंबाई नाप लेते हैं तो उसका आंतरिक मान होता है। समझ लो बेटा, सभी बच्चे पेपर पेन लेके बैठे और उसका नोट्स भी बनाते रहे। ये किसी भी वीडियो में सीखने का सबसे फंडामेंटल तरीका है कि आपको पेपर पेन लेके बैठना है, नोट्स भी बनाना है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा है, ये जो है F2 फोर्स है, मान लीजिए ये भुजा PR है, तो ये समांतर चतुर्भुज की है भुजा। अगर इनसे जो है आप समांतर चतुर्भुज बना देंगे, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण इस पॉइंट से, इन दोनों की संलग्न भुजाओं का जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप ये जो है विकर्ण खींच दें, तो ये विकर्ण PS, PS परिमाण एवं दिशा में इन दोनों वेक्टर F1 और F2 का वेक्टर सम देगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू F है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ओके, मान लीजिए जो है, अब ये जो F है, F को क्या बोलेंगे, F1 और F2, वेक्टर F1 और F2 का परिणामी सदिश, परिणामी मतलब इन दोनों का योगफल वाला परिणामी बल। तो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, इस F का मैग्नीट्यूड, वेक्टर F का मैग्नीट्यूड, मान लीजिए F है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A है, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B है, और सॉरी वेक्टर A नहीं, आई एम सॉरी, ये वेक्टर F1 का F है, F1 है, F2 का F2 है, तब इसके परिणामी बल का परिणाम, परिमाण सॉरी परिमाण, मतलब F का मान क्या होगा, F1 का स्क्वायर करो, F1 का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर करो, प्लस F2 का स्क्वायर करो। इसका जो है डेरिवेशन आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आप लोगों के कोर्स में 2F1 F2 cos थीटा आना है। थीटा कौन कौन सा एंगल होता है, इसका स्क्वायर रूट। ये बेटा सूत्र है, इसे आप ध्यान से रखो याद रहे, ठीक है।
और अगर डायरेक्शन खींचनी है तो आपको उसके द्वारा पैरेललोग्राम एक फॉर्म कर लीजिए समांतर चतुर्भुज और उसका विकर्ण खींच दीजिए। अब देखो बेटा ये सूत्र है f इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा का स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा बेटा f1 वेक्टर और f2 वेक्टर के बीच का कोण है, बीच का कोण। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए अगर मुझे इस वेक्टर f की डायरेक्शन देखनी है कि ये साहब जो है वेक्टर f1 से कितने कोण पे है डायरेक्शन का, तो मान लीजिए यहां से इसका कोण बीटा है, तो यहां से एक सूत्र आता है बेटा tan बीटा, tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा, b का मतलब f2, f2 sin थीटा ओवर f1 प्लस f2 cos थीटा। तो बीटा क्या है? बीटा इज द, बीटा क्या है? वेक्टर एफ मतलब जो इसका परिणामी बल और एफ वन के बीच का कोण। ठीक है बेटा, छाप लो ये, सबके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें करते हैं बेटा केस, आप जो वीडियो को पोज कर करके रोक रोक के भी देख सकते हैं। केस फर्स्ट, मान लीजिए थीटा इक्वल टू जीरो अर्थात दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है या ऐसे है, एक ही डायरेक्शन होने का तो थीटा इक्वल टू जीरो आएगा। तो आप देखो इसके परिणामी बल का परिमाण है ना, तो कितना आएगा एफ इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस जीरो का स्क्वायर रूट। बेटा देखो कॉस जीरो, आजकल कॉस जीरो की वैल्यू रखो याद कितनी होती है, वन होती है। तो ये हो गया एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस, ये हो गया वन हो गया का स्क्वायर रूट। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और एक है ना, कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो क्या आएगा सर, एफ वन प्लस एफ टू, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा। तो सीधे सीधे अगर एंगल थीटा है तो कुछ पैरेललोग्राम का नियम आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेटा आप दोनों को, दोनों के परिमाण को ऐड कर दीजिए। इसी टाइप से मान लीजिए अगर दो वेक्टर, अच्छा इसका डायरेक्शन कहाँ होगा है ना, इसका भी डायरेक्शन इन्हीं दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के लोग, मान लीजिए एफ वन है एफ टू है, F का भी डायरेक्शन इन्हीं दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये सब यहां से आ जाएगा, यहां पे आप थीटा का वैल्यू रख दो बेटा जीरो, आंसर आ जाएंगे ना। अब देखिए इसी टाइप से बेटा आप सीखो केस सेकंड, अगर थीटा की वैल्यू 180 है, 180 का मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, ऐसे है एक वेक्टर बड़ा है एक वेक्टर छोटा है। तो फिर से देखो बेटा एफ का वैल्यू क्या जाएगा, अब थीटा की जगह 180 रखो, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 180। और बेटा कॉस 180 की वैल्यू आजकल क्या रही है, माइनस वन, तो ये क्या जाएगी एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू। अब बेटा अभी बताओ किसका सूत्र हो गया, ये ए माइनस बी का सूत्र हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। अब स्क्वायर रूट एक बट्टे दो होता है तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बड़े वेक्टर की ओर होगा, वेक्टर एफ की दिशा कहाँ होगी, जो बड़ा वेक्टर होगा एफ टू बड़ा है तो बड़े सदिश की ओर होगी, बड़े बल की ओर होगी, जो बल का परिमाण ज्यादा है उसकी ओर होगी। बताओ बेटा कैसा था, बिल्कुल बच्चा क्लास का है, केस थर्ड और देख लो। मान लीजिए दोनों बल एक दूसरे के परपेंडिकुलर कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एफ वन है एफ टू, थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो तब एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, इसका सिंपल इतना आ गया। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका पैरेललोग्राम खींचो,
यहां से, तो ये बीटा की वैल्यू दे देख लेना, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन 90 ओवर ए प्लस बी कॉस 90। साइन 90 क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, तो बी ओवर ए टेन बीटा आ गया बेटा। ठीक है, ये एफ टू कहने का मतलब एफ टू है बेटा, है ना, ये एफ टू है, ये बी एफ टू है, ये ए एफ वन है, तो एफ टू ओवर एफ वन। ठीक है बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम, छाप लो जल्दी से। ठीक है, तो इस टाइप से आपने सीखा कि किस प्रकार से बलों का संयोजन करते हैं। इस पे भी इस प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए दो कोई इक्वल बल हैं, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो है दोनों बलों के परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करो। बेटा परिमाण मीन्स होता है उसका आंकिक मान मैग्नीट्यूड, और होता है परिमाणी मीन्स उन दोनों के योग फल से जो आया है वो है। ठीक है, अब तो बेटा इस प्रकार से आपने ये बातें सीख ली कि कैसे हम जो है बलों को, दो बलों को जोड़ सकते हैं और कैसे उनके परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट सीखी बेटा, अब क्या करना हमें, इसका उल्टा प्रोसेस करना है, बलों का वियोजन, बलों को उनके घटकों में तोड़ना है। अब क्या करें, मान लीजिए ये एक बल है F, अब इस बल को दो जो है लंबवत घटकों में तोड़ा जा सकता है बेटा। एक जो लंबवत घटक का होगा इसके इस टाइप से होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसे बोलते हैं बेटा F cos थीटा, cos के साथ लेंगे इसे। अब इसका परपेंडिकुलर कहां जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अब इसके बीच में एंगल देखो, तो ये जो 90 माइनस थीटा है, है ना, कहने का मतलब ये क्या हो गया एफ कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हम जो है इसे क्या लिख देंगे, इसकी जगह साइन थीटा, तो एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इस प्रकार से कंपोनेंट ब्रेक हो गया, है ना। अब देखो अगर इसे वेरीफाई करना चाहे तो इसे जो है इसके द्वारा पैरेललोग्राम अगर हम बना देंगे तो बेटा यही जो इसका डायगोनल में वेक्टर समा जाएगा, है ना। तो देखो कोई भी वेक्टर है, ये इसका जो एक्स कंपोनेंट बोल सकते हैं इसे fx, इसे वाई कंपोनेंट बोल सकते हैं fy, तो कोई भी वेक्टर f है उसे हम इस टाइप से लिखते हैं, उसके कंपोनेंट में fxi fyj, कंपोनेंट मतलब उसके बेटा घटकों में जो ये किसी वेक्टर f को लिखते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लेना है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो देखो यहां भी है ऐसा ही जो है, ये क्या हो गया वेक्टर एफ इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा जी। अब देखो रख दो यहां पे और देखो क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। अब देखो एफ एक्स क्या है एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितना हो गया एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो एफ स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा वन हो गया, तो ये क्या हो गया एफ, एफ था एफ ही आ गया, इसका मतलब ये सूत्र सही। तो इस प्रकार से इसे सब नियोजित किया जा सकता है, इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप अपनी बुक में देखो इसके कई एप्लीकेशन है। पूछते हैं कि खींचना, क्योंकि किसी रोलर को खींचना जो है ज्यादा आसान है, खींचना मतलब ऐसे खींचो या फिर जो है ऐसे उसे जो है मतलब खींचना ज्यादा आसान है या फिर इसे ऐसा धक्का देना ज्यादा आसान है, तो इसमें सब में जो है आपकी ये बलों का वियोजन वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। रोलिंग ज्यादा मतलब जो है पुश ज्यादा आसान है या किसी रोलर को पुल करना आसान है, तो ये आप जो है इसके वेक्टर्स में आप इसे तोड़ेंगे, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है और आप देखो जो है कौन सा ज्यादा आसान है।
बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो है, तो आप उसे कीजिए बेटा। तो ये होमवर्क है, अगर आपसे नहीं हो तो मुझे अगले लेक्चर में जरूर पूछेगा। अब देखो बेटा, दो तीन तीन छोटे छोटे से और जो है टॉपिक होने वाला है। एक रहता है बेटा, आपसे पूछते हैं समांतर बल क्या होता है। समांतर बल, पैरेलल फोर्स। तो बेसिकली बेटा कोई भी बल जिनकी एक ही डायरेक्शन हो, जो एक ही डायरेक्शन, जो एक दूसरे के समांतर हो। देखो ये दोनों बल जिनकी कार्य करने की दिशा जो है एक दूसरे के समांतर है, इनमें दोनों की F1 F2 दोनों की दिशा एक ही ओर है, लेकिन इसमें F1 F2 की दिशा विपरीत है, लेकिन तो भी दोनों ही बल समांतर बल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब रहता है बल युग्म। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है, थोड़ा ठंड है इसकी वजह से इंक जो है जम जाती है बेटा, तो बल युग्म। इंग्लिश बोलते हैं, बोलते हैं कपल। देखो अब क्या है, कोई भी एक लाइन है मान लीजिए, इसके जो है एंड पे दो फोर्स लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी मतलब F1 F2 का परिमाण इक्वल है, मान लीजिए F है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो जो क्या लगेगा, तो इस पर हमेशा एक जो है बल आघूर्ण लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे दो बल जिनका परिमाण समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, किसी भी लाइन के एंड पर कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को बल युग्म कहते हैं। तो जब भी इस प्रकार की कंसेप्ट होगी तो यहाँ एक जो होगा बिंदु जिसके परतः ये इसमें घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी, जैसे है ना, जैसे आप देखो बेटा गाड़ी की स्टेयरिंग है, दो 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 एंड है गाड़ी के, बीच में जो है घूर्णन अक्ष है, तो जब भी जो है आप इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी घूमना स्टार्ट होगी। ओके, आप देखिए कोई बोतल है, बोतल का ढक्कन आप खोलेंगे तो दो बल इस टाइप से लेंगे और ये सब जो है ऐसे ऐसे जो है एंटी पैरेलल फोर्स आप लगाएंगे, कौन फोर्स, वो सब बोतल का ढक्कन खोलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं बेटा बल युग्म। और इसके द्वारा जो घूमने की प्रवृत्ति आ रही है उससे फिजिकल क्वांटिटी बनती है जिसका नाम है बल आघूर्ण। इसे दिखाते हैं टाव से, क्या नाम इसका, टाव, टाव। ठीक है, तो जो इसका जो है मान जो होगा, टाव का मान होगा वो कोई भी एक बल का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों इक्वल है तो यार गुणा दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के कार्य करने की डायरेक्शन के बीच की लंबवत दूरी, मान लो लंबवत दूरी ए बी है, तो लंबवत दूरी दोनों बलों के बीच लगने, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो F गुणा ए बी, मान लो इसकी वैल्यू R है तो क्या लगेगा, F गुणा R। मान लीजिए अगर जो है F और R के बीच में कोई एंगल है, मान लीजिए ये सब ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होता जो है ना, किसी एंगल से है ना टिल्ट होता, मान लीजिए F और R के बीच में एंगल थीटा है, तब बेटा क्या होता, आर एफ साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब देखो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब कोई पूछे आपसे टॉर्क का जो है डायमेंशन बताओ बेटा, तो क्या हो जाएगा एल, इसका क्या होता है एम एल टी माइनस टू, तो क्या होगा बेटा एम एल टू टी माइनस टू, ये होता है, छाप लो। अब देखो अगर इसका हम देखें बेटा बलियुग, बलियुग है, अब इसका देखो बेटा सदिश रूप, सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, टाओ आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, इनके बीच में क्रॉस, ये क्या है दो वेक्टर का सदिश गुणनफल बोलते हैं बेटा,
आर क्रॉस एफ होता है आर एफ साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। देखो अगर कोई जो ऐसे है वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड ए है बी साइन थीटा है तो इसे हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें जो टाव आएगा इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, आर और एफ के द्वारा जो प्लेन फॉर्म हो रहा है माने कि 20 थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी 90 रहेगा ये भी 90, इनके परपेंडिकुलर रहेगा बेटा जो टाव इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो अब देखो इसमें जो है इसके भी जो है डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सब पूछते हैं कि जो है ये आपके जो होते हैं दरवाजे उनका जो उसे खींचने के लिए जो होता है ना जो है हैंडल उसे जो है बिल्कुल घूर्णन अक्ष से अधिकतम दूरी पर लगाया जाता है। उसी उसी प्रकार से आपने देखा होगा गांव में चाकी होती है, चाकी का जो हत्था है वो बिल्कुल घूर्णन अक्ष से अधिकतम दूरी पर लगाया जाता है। देखो क्यों घूर्णन अक्ष से अधिकतम दूरी, आर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, मतलब कम बल अप्लाई करके ही वस्तु को घुमाया जा सकता है। आर की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा बल आपको अप्लाई करना पड़ेगा वस्तु को घुमाने के लिए उस घूर्णन अक्ष के परपेंडिकुलर। जब भी कभी जो है टॉर्क एक्ट होगा तो एक जो है घूर्णन अक्ष के परपेंडिकुलर घूमेगी बॉडी, जब तक कोई एक घूर्णन अक्ष जो फिक्स नहीं होगा तब तक बॉडी घूम नहीं पाएगी, इसे बोलते हैं घूर्णन अक्ष। और देखो टॉर्क को अगर स्ट्राइक से लेना है तो स्ट्राइक वाला टॉर्क पॉजिटिव आता है ऐसे से जा रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे से होता है तो ऐसा मान लीजिए ऐसे से घूमती तो ये क्या रहता है नेगेटिव रहता है, ऐसे से जाओगे तो नेगेटिव, ऐसे से जाओगे तो बेटा पॉजिटिव, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज ऐसे बेटा, ठीक है। अब देखिए अब जो है आपको सीखना है कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो मतलब आर और एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तब क्या घूमेगी वस्तु। देखो यही सारा सारी चीजों के सॉल्यूशन फॉर्मूले से हैं, तो टाव इक्वल्स टू जीरो कोई भी टॉर्क एफ नहीं होगा। अगर देखो आर और एफ के बीच में 90 एंगल है थीटा इक्वल्स टू 90 एक दूसरे के लंबवत है तो टाव की वैल्यू आर एफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है तो टॉर्क वैल्यू क्या होगी आर एफ, ये क्या होगी मैक्सिमम होगी, यही वैल्यू आपको याद रखनी है, ये देखो इसीलिए यहाँ पे आ गए, ठीक है मैक्सिमम समझे बेटा। तो आपने बल युग्म सीखा और आपने सीखा बेटा समांतर बल और सीखा बल आकू, ठीक है। तो ये तीन तीन टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक जो है आपको आने चाहिए, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा। अब देखिए अब जो है दो छोटे छोटे टॉपिक और, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखो बेटा दोनों टॉपिक एग्जाम में जरूर आते हैं, वर्नियर कैलिपर्स तथा पेच मापी स्क्रू गेज इसे क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। देखो बेटा दोनों को पढ़ने लगे तो सबसे पहले इसका चित्र आप बनाओ है ना, चित्र सा बुक से बनाओ है ना, ठीक से मैं जो है इसका जो मेन चीज है वो आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा इसमें दो जो है जबड़े होते हैं, ठीक है ऐसे 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 रहेगा ऊपर, यहाँ क्या रहेगी दो जो मतलब स्केल रहेंगे इसमें। देखो सबसे मेन चीज है कि इसमें दो जो है स्केल होती हैं, ये जो बड़ी वाली स्केल है उसे बोलते हैं मुख्य पैमाना, सीखना बेटा इसका डायग्राम आप जो है बुक से बना लेना, मुख्य पैमाना मेन स्केल, ठीक है। इसके यहाँ पे एक स्केल होती है उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, वन ईयर स्केल, ठीक है बेटा एक सेकंड। देखो बेटा ये हो गया मुख्य पैमाना, ये होगी वन ईयर स्केल। अब जो है हमें मालूम करना होता है बेटा इसका अल्पतमान,
वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक में लीस्ट काउंट एलसी। तो हरेक जो है यंत्र द्वारा एक वो सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे छोटी वैल्यू जो उसके द्वारा शुद्धता से नापी जा सके उसे बेटा अल्पतमांक कहते हैं। तो अब ये देखना है कि इस जो है वर्नियर कैलिपर्स का क्या काम है। वर्नियर कैलिपर्स का काम है हम जो है किसी भी वस्तु की मोटाई या किसी वस्तु के एक एंड से दूसरे एंड तक की चौड़ाई या किसी गोली अथवा बेलनाकार वस्तु की व्यास अथवा जो है किसी भी बीकर की जो है ऊंचाई, बीकर के अंदर की ऊंचाई, बीकर के अंदर का डायमीटर, ये सारी चीजें, डायमीटर मतलब व्यास, ये सारी चीजें इसके द्वारा की जाती है। तो अब ये देखना है कि अगर ये किसी वस्तु की मोटाई नाप रहा है तो कितनी कम से कम मोटाई को शुद्धता के साथ नाप सकता है। तो बेटा देखिए इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना यह है कि जो है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक का सूत्र देखिए क्या होगा। सूत्र मुख्य पैमाने पर, ओके, इस पे भी आती प्रॉब्लम आती बेटा, मुख्य पैमाने पर बने एक, अच्छा तो इसे मैं हटा देता हूं, एक खाने का मान, मुख्य पैमाने पर बने एक खाने का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। बेटा सीख लेना इसे ठीक से क्योंकि एग्जाम में 100% इस पे बेस प्रॉब्लम आएगी, या तो प्रॉब्लम आएगी या फिर ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, इसे आप जो है बुक से देखो। देखो बेटा अब जो है ये हो गया, अब मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान जो है 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर एमएम, और वर्नियर पैमाने पर बेटा बने होते हैं खाने 10, तो इसका मीन्स क्या है 0.1 मिलीमीटर है ना। अगर इसे सेंटीमीटर में करते हैं तो 10 का भाग और देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, क्या देख रहे हैं आप, 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर होता है उसके 100वें हिस्से को भी ये शुद्धता के साथ पढ़ सकता है, 100 में से कम होगा तब नहीं पढ़ पाएगा। या आप ऐसे कहो एक जो मिलीमीटर जो होता है स्केल में, 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। तो इसका पूछते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका जो सिद्धांत है वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि वर्नियर पैमाना, मतलब वर्नियर पैमाना मान लो वर्नियर स्केल, मुख्य पैमाने को मान लो मेन स्केल, वर्नियर पैमाने पर एक खाने का मान क्या है, वी है एक खाने का मान, और मेन स्केल पर बने पैमानों का मान वो मतलब वी जो है मुख्य पैमाने पर बने एक खाने का मान है बेटा, एम और बी क्या है एक खाने का मान। तो ये देखते हैं कि 10 वर्नियर पैमाने पर 10 खाने की वैल्यू मतलब 10 भी हो गई, ये जो है मुख्य पैमाने के 9 खाने के इक्वल होता है, मतलब मुख्य जो पैमाने पर जो है एक खाने का मान वर्नियर पैमाने के खाने के मान से ज्यादा है, तो यही इसका प्रिंसिपल होता है। या आप ऐसे सीखो वर्नियर पैमाने पर n खानों का मान मुख्य पैमाने पर बने n-1 खानों के इक्वल होता है। तो अब देखिए इसकी सहायता से लिस्ट काउंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान माइनस वर्नियर पैमाने पर बने एक खाने का मान। तो देखो बेटा एम का वैल्यू एम, अब देखो बी का वैल्यू यहां से लाओ तो एक खाने का मान कितना का, बी का वैल्यू n-1/m(m), m ले लो कॉमन तो क्या होगा 1-n-1/n। अब देखते हैं तो क्या होगा n-n+1/m(m), ये होगा ना लिस्ट काउंट। देखो हमने एलसीएम ले लिया n से n खल्लास, तो लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होगी m/n। अब देखो वही चीज आ गई, एम क्या है मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान, एम क्या है वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या।
तो इस जो प्रकार से आपने जो है अल्पतमांक सीखा, उसका आपने बेटा सिद्धांत सीखा, ठीक है। अब हम करते हैं कि इसकी सहायता से कैसे आप जो है किसी गोल अथवा बेलनाकार वस्तु के व्यास को नाप सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक जो है स्फेरिकल बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, जबड़े में इस दोनों को सर एक साइड से फंसा लेंगे, ठीक है। अब हमें जो है बेटा मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मान लीजिए मैंने देखा, तो मेन है ना, मेन स्केल को आपको है ना लिखना होगा, मान लीजिए मिलीमीटर में आप कर रहे हैं तो मिलीमीटर में रख लिखो, मान लीजिए 2 जो मिलीमीटर आ रहा है। अब आप देखिए कि वर्नियर स्केल का कौन सा पैमाना मुख्य पैमाने के किसी भाग से, मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किसी खान से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो उसमें उसमें मान लीजिए 9वां खाना एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो अब जो है इसका व्यास क्या, अब व्यास क्या होगा, व्यास में अब क्या करना है आपको, मेन स्केल रीडिंग लिखी जो है प्लस अब जो भी आपका वर्नियर स्केल रीडिंग है उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो 2 प्लस ये 9 इंटू 0.1 है ना मिलीमीटर में है, तो आपको मिलीमीटर वाला लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला, तो क्या आएगा 2.9 मिलीमीटर आ गया आंसर। ये यूनिट का आपको बहुत ख्याल रखना है। तो जो आपको क्या लेना है, इसी प्रकार से कई सारी जो है 1, 2, 3, 4 कई जो है वैल्यू लेके जो है यहाँ देखा, यहाँ 8 आ गया तो 2.8, यहाँ देखा तो यहाँ हो सकता है 7 आ जाए 2.7, यहाँ देखा तो फिर से 8 आ गया तो 2.8, इन सब का क्या लेना है एवरेज, औसत ले लेना है, औसत जो है औसत व्यास ही आ जाएगा, औसत व्यास कर ले। फिर अगर उसकी पूछ रहा है कोई भी बेटा पूछ रहा है त्रिज्या, तो व्यास करके 2 व्यास में 2 का भाग दे दो तो बेटा त्रिज्या आ जाएगी। ये जो प्रकार से करना है। अच्छा देखो इसमें एक जो बात का और आपको विशेष ख्याल रखना होता है वो ये है कि इसमें जो है आपको ये भी देखनी है कि शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि मतलब जीरो एरर है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि जीरो एरर अगर जो है वर्नियर पैमाने का जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो जो है, अगर उसे सब दोनों ही जबड़ों को पास में लेके आए तो अगर एक दूसरे से कॉन्साइड हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसका मतलब उसमें शून्यांक त्रुटि नहीं है। अगर जो है मान लीजिए जो है वर्नियर पैमाने का जीरो मुख्य पैमाने के जीरो से आगे है तो फिर उसे बोलेंगे बेटा धनात्मक त्रुटि, धनात्मक त्रुटि। और जो है अगर पीछे है तो उसे बोलेंगे ऋणात्मक त्रुटि, है ना। तो आपको जो है जब भी जो है आपको इन जो मतलब त्रुटि को भी कंसीडर करना पड़ेगा इस व्यास में। तो ये तो औसत व्यास आया, लेकिन मान लीजिए जीरो एरर है कुछ, मान लीजिए इसमें जो है 5 जो डिवीजन आगे है तो 5 का लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इतनी एरर इसमें घटाई जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एरर है ना। मान लीजिए इसमें 6 है तो 0.6 इतनी एरर जोड़ी जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें व्यास जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो होप आपकी ये अच्छे से और समझ में आ गया। तो बेटा अब एक चीज और कर लेते हैं जिसका नाम है स्क्रू गेज। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर हम करेंगे प्रॉब्लम। तो आप इसे अच्छे से सब पढ़ लेना आज है, और कल जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछो, और इस पे बेस्ड क्या क्या प्रॉब्लम अब तक एग्जाम में आई है वो सारी प्रॉब्लम हम आपकी करवा दें। तो बेटा दूसरा है पेज मार्क, ये भी सर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेटा पेज मार्क जो है डिबरी के सिद्धांत पर आधारित होता है, कोई पूछे आपको क्योंकि उसमें क्या होता है डिबरी होती है, डिबरी के सिद्धांत पर, स्क्रू के सिद्धांत पर ना पर आधारित होता है। अब बेटा इसमें क्या रहता है, इसमें एक जो है इस प्रकार से रहता है, और जो यहाँ जो है एक जो है इस टाइप से एक होती है एक्सिस जो है, इसे बोलते हैं मुख्य पैमाना, वैसी है जैसे उसमें था मुख्य पैमाना, ठीक है। ये सब होता है स्क्रू,
और एक यहाँ है, और ये स्क्रू जो है ये सब स्क्रू से ये आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, एक यहीं पे क्या रहता है, गोली पैमाना रहता है जो इसका जो है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, मान लीजिए इसका जीरो यहाँ है, तो यदि इसकी जो है जीरो लाइन जो है ये जीरो गोली पैमाना, बेटा सीखो गोली पैमाना या गोल पैमाना, गोल पैमाना का जीरो इस सेंटर लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब उसमें शून्यांक त्रुटि नहीं है। ठीक है, यदि ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, अगर ये आगे है ऊपर है या नीचे है, तब फिर जो है उसमें एरर रहेगी, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर। ठीक है, ऊपर नीचे से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एरर मारनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तब जो से देखना है जब ये आपने यहां से सब ये सब यहां से आगे को बढ़ाया और ये इससे हो गया मिल गया, और यहां ये रहता है स्क्रू, उसे सिर्फ एक ही बार जैसे कट करे एक बार, उसके बाद फिर नहीं उसे छेड़ना है, तब ये जीरो जीरो हो रहा है मैच, तब ये जो माना जाएगा कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। अगर आगे पीछे तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव त्रुटि होगी। पॉजिटिव एरर को हमेशा माइनस किया जाता है तथा नेगेटिव एरर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो बेटा इसमें देखो, इसमें फिर से मुझे मालूम करना है कि लिस्ट काउंट क्या है, तो इसकी सब जरूरत क्यों क्यों हुई, वहां हमें मालूम है कि जीरो वर्नियर कैलिपर से 0.1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु को नहीं नापा जा सकता, लेकिन अगर उससे भी छोटी वस्तु मान लीजिए कोई सा मतलब पतला तार है, उसका आपको व्यास कैलकुलेट करना, ये सब आपके कक्षा 11 और कक्षा 12 के प्रैक्टिकल में भी आएगा काम, जब आप किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तब इसका स्क्रू गेज का यूज होगा बेटा। तो देखो बेटा, तो क्या देखना है आपको, जो है ये देखना है कि अगर 0.1 मिलीमीटर से भी जो है कम जो है त्रिज्या या व्यास की कोई वस्तु है तब उसे जो है कैसे नापा जाएगा, पतले तार का व्यास नापना है इसकी सहायता से। तो इसमें भी लीस्ट काउंट, क्योंकि मतलब अल्पतमांक क्या होगा, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, जैसा उसमें है मुख्य पैमाना वैसा इसमें होता है। अच्छा नहीं, इसमें बेटा ऐसे नहीं, इसमें आपको सीखना है पिच, वो एक ही बात है, पिच बट्टे गोल पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या, गोल पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। तो पिच का मीन क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल। तो क्या होता है, देखो गोल पैमाने को जो है एक पूरा चक्कर घुमा दीजिए, एक पूरा चक्कर घुमाने में ये मुख्य पैमाना कितनी दूरी, कितनी लीनियर दूरी, कितनी स्ट्रेट लाइन वाली दूरी तय कर रहा है। तो आप देख है ना देखेंगे कि जो है इसमें एक जो है छोटा खाना होगा, वही खाना जो है पूरे एक गोली पैमाने के एक चक्कर में तय होता है। तो जो लीनियर दूरी तय हुई है उसे बोलते हैं बेटा चूड़ी अंतराल। तो देखो यहां मान लीजिए जो है ये एक जो है मिलीमीटर मान लीजिए चला जाए, और इसमें खाने देके 100 खाने हैं टोटल, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर के 100 खाने तक ये बढ़ सकता है, या 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग को पढ़ सकता है। अब इसमें फिर से वही है, आपको सब नापना है, तो आप फिर से लिखो मेन स्केल लिखो, है ना, सर्कुलर स्केल CS गोली स्केल की लिखो, इसमें देख लो मिलीमीटर में ले लेगा सेंटीमीटर में, फिर से वही मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट सर्कुलर स्केल, और ये आपका मिलीमीटर में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप 2-4 रूटीन लोगे। इस पर बीच बेटा प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी, ये सब पूरा डायग्राम और किस जो से मतलब है ना सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें कैसे जो है अल्पतमांक ज्ञात करते हैं। तो इसका वैल्यू देखा मान लीजिए 2 जो है मिलीमीटर आ रहा है, और इसका देखा सर्कुलर स्केल का 50वां पार्ट मिल रहा है ना, 50वां पार्ट इससे मिलना चाहिए, इस जो है ये जो इसकी सेंटर लाइन है इस पे जो है सर्कुलर इसकी गोली पैमाने का कौन सा डिवीजन मिल रहा है। तो ये 2 प्लस लिस्ट काउंट इसका 0.01 इंटू 50, तो क्या गया 2.50 हो गया इसका मिलीमीटर में जो है। ओके, अगर आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो जो है
0.250। अच्छा तो ये जो है उससे भी कम करना है, तो बेसिकली 0.2 मिलीमीटर होगा जो है। तब ये जो है सॉरी ये तो टू ही होगा मिलीमीटर, तो 50 तो ये 2.50 मिलीमीटर आ गया। ओके तो इसी टाइप से और लोगे आप रीडिंग, मान लीजिए 51 आ गया तो 2.5 बन आ गया, ये 60 आ गया तो 2.660 आ गया। ये तो ऐसे आ गया, अगर इससे छोटा भी होता, मान लीजिए 0.1 मिलीमीटर से छोटा करना है तो जो है 0.1 मिलीमीटर है ना, 0.1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू आपको नापनी है, तो ये सब जो है 0.1 भी हो, 0.1 मतलब आप देख लीजिए बेटा मेन स्केल पे कितना जो है रीडिंग आ रहा है मेन स्केल पे, और जो है वर्नियर स्केल पे कितना आ रहा है, उसके बाद ये कैलकुलेशन आपको करनी है, फिर से क्या लेना है एवरेज लेना है। तो इस प्रकार से आप बेटा जो है पेच मापी की सहायता से डेसिमल के दो प्लेस में मिलीमीटर में और तीन स्थानों तक सेंटीमीटर में वैल्यू नाप सकते हैं। तो होप ये आप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो थैंक्स गॉड दिस इकाई ए जो इकाई वन थी यूनिट वन जो 10 मार्क्स की थी बेटा वो कंप्लीट हो गई। अब इसे आप ढंग से आप पढ़िए और इसके जो भी सूत्र आपने सीखे उन्हें आप बेटा जो लिखिए और जो है इस पे बेस्ड अप करेंगे प्रॉब्लम और चैप्टर के दिखाएंगे हाईलाइट। तो इस चैप्टर के हाईलाइट और इस पे बेस्ड आंकिक प्रश्न को जानने के लिए देखिए लेक्चर नंबर 5। धन्यवाद।